नगरीय निकाय नगर परिषद नरवर का आम निर्वाचन उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के पारित आदेश पर 6 मार्च को हुए मतदान के नतीजे आज घोषित हुए। मतगणना स्थल तहसील के सामने स्थित सीनियर छात्रावास पर सुबह से ही प्रत्याशियों के समर्थकों सहित नगरवासियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी, जिससे परिणाम शांतिपूर्ण तरीके से घोषित किए गए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। अफीज मोहम्मद कुरैशी। कौन से वार्ड से जीता? 11 नंबर वार्ड। किस पार्टी से थे आप? निर्दलीय। अध्यक्ष के लिए किसका समर्थन है? अब देखते हैं सुचिता नारायण। इसको जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? जीत का श्रेय जनता के लिए, वार्ड की जनता के लिए। विकास के लिए कौन कौन से कार्य करोगे आप? ऐसे विकास के लिए वार्ड में नल जल लाइट ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, सड़क पानी, यही वार्ड के लिए विकास। जीत की सबसे पहले आपको सबसे बहुत बहुत बधाई। जीत की किसको श्रेय देना चाहोगे इस जीत का? पूरी भारतीय जनता पार्टी को और उस बाढ़ के समस्त बाढ़वासियों को और पूरे क्षेत्र भर के सभी नागरिक, पूरी क्षेत्र की, नरवर की, सब मेरे प्रिय जितनी जनता है उन सब का आशीर्वाद है। विकास के लिए कौन कौन से कार्य रहेंगे इस बार जीतने के बाद? अभी जो उस बाढ़ में बहुत सारे काम हैं, सड़क से लेके रोड टूटी हुई पड़ी हैं, और भी गरीब लोगों के जो भी नगर पंचायत से संबंधित कार्य होंगे वो पूरे करना। अध्यक्ष के लिए आपको दावेदार दिख रहा है, अध्यक्ष के लिए आपको सबसे दावेदार दिख रहा है मैं। अगर पार्टी अगर निर्देश देगी तो आप बनेंगे? बिल्कुल, पार्टी अगर निर्देश देगी, जिसको भी देगी उसका साथ देंगे। मुझे देगी मौका तो मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है? मैं ध्रुव सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ। कौन सी वार्ड से नामांकन किया? नहीं, प्रत्याशी भावी है। कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 1 से है। जीत कर हासिल हुए, किसको श्रेय देना चाहोगे? देखिए, जनता का, मतदाता का मतदान है, जिसको हमने विचार से दिया, चिंतन किया, मत दिया और सभी ने मत दिया पूरी वार्ड। विकास के लिए कौन कौन से कार्य करोगे? विकास के सबसे बड़ी तो पानी की जो फैलने की समस्या है, बोरिंग का जो पानी है, सबसे बाढ़ एक में गंदगी की समस्या है, उसको सबसे पहले दूर करना। अध्यक्ष पार्षद के द्वारा चुना जाएगा, उसको क्या राय है? कौन कौन चुनोगे आप? जी तो अभी ये विचार किया जाएगा, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। मैं विकासशील व्यक्ति को बनाना चाहूँगा, तो किसी दल की कोई बात विशेष जो मेरे समर्थन में रहेंगे या अन्य की समर्थन में रहेंगे, जो विकास की विचारधारा से चलेंगे, उसके साथ दूंगा। अच्छा, आप पार्टी को नहीं देखेंगे? आप क्यों नहीं पार्टी देखेंगे? मेरे जब इतने पार्षद हैं तो मैं पार्टी को देखूंगा सबसे पहले। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो किसी भी दल को दे सकते? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा और उसकी विचारधारा के साथ रहकर काम करूंगा। अगर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।